24 Live Preview. भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल मायागंज के आइसोलेशन वार्ड में कोविड 19 से पीड़ित रोगियों और ऐसे मरीजों के रिश्तेदारों के आक्रोश से बचाव के लिए डॉक्टर कुमार गौरव की सुरक्षा के लिए राइफल के साथ गार्ड मौजूद है। वहीं राइफलों से लैस गार्ड डॉक्टर कुमार को गंगा नदी के किनारे में अवस्थित JLNMCH अस्पताल परिसर का चक्कर लगवाने में मदद करते हैं। जानकारी के अनुसार कोविड 19 से संक्रमित मरीजों के परिजन अपने परिजनों को टहलने और खिलाने के लिए ICU में भी दाखिल होने से परहेज नहीं करते हैं। इस संबंध में अस्पताल के पूर्व प्रभारी अधीक्षक सह मनोचिकित्सक डॉक्टर कुमार गौरव की माने तो जब डॉक्टर या अस्पताल के कोई कर्मचारी ऐसी हरकत करने वाले परिजनों को रोकता है तो परिजन आक्रोशित हो जाते हैं। परिजन घर का खाना खिलाने और यहां तक कि मरीज का मालिश करने की बात भी करते हैं। इस स्थिति में तो ICU में से संक्रमित निकलकर समाज के अन्य लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लेगी। इसी क्रम में अपने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुमार गौरव मरीज को देखने के लिए राउंड पर निकलते हैं। ठीक इसी दौरान वह ICU में भर्ती एक मरीज के परिजनों को वहां से हटने की सलाह देते हैं। वो वहां से हटते भी हैं, लेकिन कई बार परिजन अपने मरीज के साथ ही रहने की जिद पर अड़े रहते हैं। अभी जिले में मानसून का मौसम है, नमी असहनीय पायदान पर पहुंच चुका है। करीब 9 साल पहले 42 वर्षीय डॉक्टर कुमार गौरव अपने परिवार के साथ गृहनगर आ गए। यही नहीं, उन्होंने लगभग 900 बिस्तर वाले जवाहरलाल चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल में मेडिकल प्रोफेसर सह मनोचिकित्सक विभाग में सलाहकार के रूप में नौकरी के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के कहरों के बीच काम करने से इनकार कर दिया। दुर्भाग्यवश अधीक्षक भी संक्रमित हो गए, उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था, कई डॉक्टर ने इनकार कर दिया। ऐसे में डॉक्टर कुमार गौरव को अस्पताल में अधीक्षक की जिम्मेदारी मजबूरन सौंपी गई। बावजूद इसके वह कई डॉक्टरों के कनिष्ठ थे। इस बारे में डॉक्टर कुमार गौरव बताते हैं कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वयं सेवक के रूप में स्वीकार किया था। अप्रैल मई के आसपास बिहार में महामारी के समय इस अस्पताल को 100 मिलियन लोगों की आबादी के लिए सिर्फ 4 कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में एक के रूप में चुना गया था। उचित महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं के साथ निकटतम अस्पताल लगभग 200 किलोमीटर दूर है, जबकि जून महीने में जिला प्रशासन ने अस्पताल में असिंचित रोगियों का इलाज करने का निर्देश दिया। वहीं रक्त और दवाओं जैसी जनशक्ति और संसाधनों की पुरानी कमी पर डॉक्टर कुमार गौरव की माने तो ICU में सभी 37 बिस्तरों पर कब्जे हैं। उनका कहना है कि वह नहीं जानते कौन सकारात्मक है और कौन नकारात्मक, सभी स्थिति को नहीं जानते हुए बस उपचार करते हैं। अभी राज्य में कोरोना वायरस के लगभग 87,000 मामले और 465 मौतें हो चुकी है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत यहां कम है। देखे भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पहले आपने भागलपुर को चुना, आपके पास काफी ज्यादा स्कोप था, बड़ा स्कोप था, भागलपुर ही क्यों? भागलपुर मेरे माँ पिताजी यहाँ रहते हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई भागलपुर में हुई है। मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती 18-19 साल यहीं बिताए। तो हर इंसान के मन में एक इच्छा होती है, जिस जगह पर आपकी पढ़ाई हुई है, जहाँ पर आपने पढ़ाई की है, जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ अपना जीवन बिताया है, उस जगह पर कुछ आप करें। दिल्ली मेरा घर नहीं था, मैं वहाँ पर काम करता था। तो एक बात को समझना होगा, इमोशनल अटैचमेंट तो होता है आपको अपनी कर्मभूमि से। ये मुझे यहाँ खींच करके लाया। फिर मुझे ये अवसर भी मिला कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में मेरा चयन हुआ सहायक प्राध्यापक में 2012 में, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता था, पढ़ने पढ़ाने का मुझे शौक़ है, तो मुझे मेडिकल कॉलेज में यह जॉब मिली। तो मुझे ये जैसे जिसे कहते हैं मन मांगी मुराद थी मेरे लिए, मेरे घर में माँ पिताजी के साथ, परिवार के लोगों के साथ, अपने समाज में, अपने गृह ज़िले में आपको अगर मेडिकल कॉलेज में जॉब मिलती है, आप मरीजों की सेवा करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो ज़िंदगी में से ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। एक सवाल और सर, अब यह मांग उठने लगी है अधीक्षक के रूप में डॉक्टर कुमार गौरव ही,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिला है, ऐसा क्यों सर? भागलपुर वासियों का कहना है कि इनको नियमित इन्हीं को रखा जाए। हमारे जो अभी अधीक्षक हैं डॉक्टर अशोक कुमार भगत जी, जो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जितनी कोविड पॉजिटिव हुए, ठीक हुए और फिर से अस्पताल को सेवा दे रहे हैं, जैसे ही वो अभी फुली फंक्शनल हो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं अपने जो होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और पूरा अस्पताल हम लोग सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, भागलपुर की जनता की और आसपास के लोगों की सेवा के लिए हम लोग खड़े हैं। हमें जनता का सहयोग चाहिए, हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखें, हम लोग जितना हो पाएगा उससे ज़्यादा करके देंगे और हम लोग एक एक मरीज के साथ हैं यहाँ पर। आप आश्वस्त रहिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है आप अस्पताल आएँ, अस्पताल के नंबर पे कॉल करें, और भी कोई दिक्कत है मुझे पर्सनली कॉल करें, डॉक्टर भगत को पर्सनली कॉल करें। डॉक्टर हेमशंकर शर्मा सर हैं जो काफ़ी डेडिकेटेड हैं कोविड केयर के लिए, हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर हैं, वो काफ़ी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं कौन से मरीजों का केयर कैसे होना चाहिए। डॉक्टर महेश हैं जिन्होंने कि आई सी यू की सुविधा, जो हमारे आई सी यू के इंचार्ज हैं वो डॉक्टर उबैद अली हैं जो कि आइसोलेशन वाले वार्ड में हमारे मरीजों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये सारे लोग नोडल ऑफिसर हैं।